दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी औषधि पत्ते के बारे में बताऊंगा जो रियल में फायदेमंद है। आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं इसे करी पत्ता बोलते हैं। कई जगहों पर इसे मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इजी होता है इसको तोड़कर, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, आसानी से लग जाता है। और अक्सर लोग इसे सब्जियों और दाल में डालते हैं। कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते और सब्जी या दाल में पड़ा देख हाथ में उठाकर इसे दूर कर देते हैं, पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप करी पत्ते के फायदे जान जाएंगे तो इन पत्तों को फेंकना कभी भी नहीं चाहेंगे। करी पत्ते से हमें ऐसे ऐसे फायदे मिलते हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, इसमें विटामिन डी भी होता है, तो ये सारे विटामिन से लदा हुआ होता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये हमारे बॉडी में डीजनरेशन को बंद करता है, हमारे एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। हार्ट की बीमारी हो, है ना, बुढ़ापा हो, पैरालिसिस हो, या फिर आंखों की पावर को बढ़ाना हो, ये सब जगह पर फायदा करता है। करी पत्ता में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B1, B2, विटामिन सी, कैरोटीन जैसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसके अलावा करी पत्ते में एंटी डायबिटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। इसलिए जब भी आप करी पत्ता डले हुए किसी भी फूड आइटम को खाएं तो ये पत्तियां अलग करके फेंकने के बजाय उसे खाया करें। ये हमारे भोजन को आसानी से हजम भी करता है। करी पत्ते में भरपूर मात्रा में आयरन और फॉलिक एसिड होता है, और ये खून की कमी, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया है, उसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। इन सभी रोगों में करी पत्ते का भरपूर सेवन करना चाहिए। कैसे करना है इस ठंड के मौसम के लिए बता रहा हूँ। 8 से 10 करी पत्ते 2 खजूर के साथ सुबह सुबह खा लीजिए। करी पत्ते चबा ना सको तो करी पत्तों की चटनी बना लीजिए, पीस लीजिए। किसी भी प्रकार से आप 8-10 पत्ते ले लीजिएगा। ये खून की कमी को दूर करेगा। इसके अलावा जिन्हें लो बीपी की प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, चक्कर आता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इन सभी समस्याओं का बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव उपाय है। इसके अलावा इसमें एक और अच्छी चीज है, ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। करी पत्ता इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करके ब्लड शुगर के स्तर को काबू करता है। शुगर को कंट्रोल रखने के लिए डाइट में इसे जरूर शामिल कीजिएगा। आप अगर शुगर का इलाज इन पत्तों से करना चाहते हैं तो साथ में एक औषधि और लीजिएगा, वो है जामुन की गुठली का चूर्ण। जामुन की गुठली का चूर्ण आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से ले आइएगा। 1 चम्मच करी पत्तों के चूर्ण को 1 चम्मच जामुन की गुठली के चूर्ण के साथ सुबह सुबह खाली पेट ले लेना है। 1 कप जामुन के रस के साथ भी इसे लिया जा सकता है। करी पत्तों को सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, और आप इसका डायबिटीज में रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई जुकाम खांसी होता है तो करी पत्ता बड़ा फायदा करता है। किसी को जुकाम खांसी हो तो करी पत्ते उन्हें दे सकते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, बीटा कैरोटीन होता है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब है सूजन नहीं होने देते हैं। इसके अलावा नाक से पानी गिरना, कोल्ड है, कफ है, इसे ये बंद कर देता है और ये कफ को इजिली शरीर से बाहर कर देता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी करी पत्ता काफ़ी फायदा करता है। जिनको बार बार स्किन की प्रॉब्लम रहती है उनको करी पत्ता जरूर लेनी चाहिए। करी पत्ता लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिनको जॉइंडिस है या फिर लीवर सोरेसिस है, फैटी लीवर की समस्या हो गई हो, वे लोग करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करी पत्ता हार्ट के लिए भी बेहद फायदेमंद है। हार्ट में इसलिए फायदा करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से बचा देता है, जिससे ब्लॉकेज को रोका जा सकता है। और इसके अलावा ये HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और LDL को ये कम करता है। तो करी पत्ते के इतने जबरदस्त फायदे मिलते हैं, आप इसका सेवन जरूर कीजिए। अब आप सोचेंगे कि भाई इसका सेवन कैसे करना है, कैसे खाएं? तो आप इसे 2 से 3 तरीकों से ले सकते हो। एक तो आप हर दिन कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें करी पत्ता डाल दीजिए। छौंक लगाते हैं तो करी पत्ता जरूर यूज कीजिए। करी पत्ता को आप राइस के संग भी ले सकते हैं, या फिर हरे करी पत्ते हैं आप ग्रीन करी पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। करी पत्तों को सुखा लीजिए और इन पत्तों को स्टोर करके रख लीजिए। सूखे हुए करी पत्ते के भी बहुत फायदे मिलते हैं। आप सूखे हुए करी पत्तों को पानी के साथ ले सकते हैं, सूप में डालकर इसे लिया जा सकता है। या फिर आप घर पर रोटी चपाती बनाते हो, आटा गूंथते हो, तो आटा गूंथते समय आप इन पाउडर को डालकर इसकी रोटी बनाकर खा सकते हो। इसके अलावा ग्रीन करी पत्ते के चटनी बनाकर भी खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनता है इसका। आप इसे बनाकर इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आप इन पत्तों में थोड़ा सा अदरक, लहसुन वगैरह मिलाकर चटनी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आपके शरीर को फायदा भी करेगा। करी पत्ते को आप ऐसे चबा भी सकते हैं,
चार से पांच करी पत्तों को सुबह सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा जाएं। किसी भी तरीके से आप करी पत्ते का सेवन सुबह का समय जरूर कीजिएगा, बताया गया आपको पूरे फायदे मिलेंगे। और इस वीडियो को कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वायरल करने में इस वीडियो को मदद करिएगा, क्योंकि करी पत्ते के बहुत से फायदे होते हैं और लोगों को करी पत्ते के फायदे नहीं पता, इसलिए वे लोग फेंक देते हैं। इन पत्तों के फायदे जानेंगे तो कोई भी इसे फेंकना नहीं चाहेगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।